नमस्कार, आप सभी का मील विथ लव हेल्दी किचन में स्वागत है। आज मैं आपको एक ट्रेडिशनल रेसिपी बताऊंगी, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है एक ट्रेडिशनल बर्तन। ये देखिए, ये पीतल की हांडी है, इसे हम तौली भी कहते हैं। ये 50 साल पुरानी है। इसमें देखिए कुछ निशान भी पड़े हुए हैं। मैंने इसे स्टोर रूम से निकाला और साफ़ किया, तब मैंने इसे यूज़ किया तो मैंने देखा कि इसमें खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। अक्सर पुराने लोग इसमें चावल, बिरयानी, मटन और चिकन बनाया करते थे। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने सोचा चलो हम भी इसे यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसमें पनीर बनाना, और आपको मैं बताऊँगी कि इसमें कैसे खाना बनाते हैं और इसको साफ़ कैसे करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसको साफ़ करना टफ है, तो इसको सब लोगों ने छोड़ दिया है, पर इसको साफ़ करना भी बहुत ईजी है। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की ओर। आप रेसिपी को पूरा देखिए और हाँ, ये ध्यान से देखिए कि इसको यूज़ कैसे करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मैंने गैस पर हांडी चढ़ा दी है, इसे हमें हल्के आंच पर रखा है, और इसमें डाला है सरसों का तेल। 2 या 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा और तेज़पत्ता। यहाँ पर मैं 250 ग्राम पनीर ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 प्याज मीडियम साइज के बारीक काट कर ले लिए हैं, और मैंने डाल दूँगी तेल पे। ये देखिए भून रहे हैं अच्छे से, मैंने सारा प्याज डाल लिया है और इन्हें भून लेंगे। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, जब इस बर्तन को यूज़ करना है तो फ्लेम हमेशा स्लो होगी। ये मैंने लिए हैं कुछ कलियाँ लहसुन के, 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च। अब मैं सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और जो थोड़ा सा अनियन भुन चुका है, इसको एक मिक्सिंग जार पर ले लूँगी। ध्यान रखिए सिर्फ ये अनियन का आधा पेस्ट, टमाटर और मिर्च। अभी हम यहाँ पर लहसुन और अदरक नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने लिया है एक ओखली, इसमें लिए मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ। मैंने कलियों को मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने लहसुन को ओखली पर पीसूंगी। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से क्रश करूंगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट, स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है। ये देखिए, इससे क्या होता है, जो आपका लहसुन का स्वाद होता है ना, वो बहुत उठ के आता है। अगर आप मिक्सी में डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, प्याज भुन गया है थोड़ा बहुत, अब इसमें डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। ये मैंने लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसको भी अब हम प्याज के साथ भुनेंगे। ये देखिए, गैस बिल्कुल स्लो। अच्छे से भुन चुका है, थोड़ा सा भुन चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस किया हुआ जिंजर, 1/2 इंच का टुकड़ा या 1 इंच का टुकड़ा अब इसमें डाल दीजिए। इसको भी हम पीसेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे कद्दूकस करके या कूट के डालते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। ये आराम आराम से भूनते हैं। हाँ, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। मैंने यहाँ पे घी क्यों डाला है, क्योंकि ये गुड फैट है और इससे जो हमारा पनीर है वो बहुत स्वादिष्ट बनता है, और इसमें एक बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती है। ये देखिए, मेरा प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर। ये देखिए, मसाले हमें प्याज के साथ ही भुनने हैं। अभी मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट नहीं डाला है, अगर हम इसे बाद में डालेंगे तो मसालों में एक कच्चापन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिए मसाले यहाँ पर भुनिए, उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे जिससे हमारा मसाला जले ना, क्योंकि बर्तन भारी होते हैं और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ये देखिए, हमने छींटे मार दिए और प्याज को भून लिया है, और हमारी प्याज ने पूरा बर्तन छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे टमाटर और मिर्च की प्यूरी। ये देखिए, हमने टमाटर और मिर्च की प्यूरी को यहाँ पर डाल दिया है। मिर्च आप 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं उतनी आप मिर्च ले सकते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे भून रहा है, और इसे हम स्लो फ्लेम में ही भूनेंगे। 5 से 10 मिनट में स्लो फ्लेम में बहुत अच्छा भुनेगा, भूनना इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में है। इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हमारी सारी प्रोसेस स्लो फ्लेम में हो रही है, इसलिए इसमें
स्वाद भी उतना ही अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। अब डालेंगे हम नमक। नमक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अक्सर रेसिपियों में हम टमाटर के तुरंत बाद नमक डालते हैं, पर यहाँ पर इस बर्तन में हम नमक पूरा टमाटर भुनने के बाद डालेंगे, क्योंकि इस टमाटर की थोड़ा खटास कम हो जाती है और तब हम उसमें नमक डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मखाने का पाउडर। मखाने भूनकर उनको मैंने पीस लिया था और इससे मैं अब ग्रेवी में ऐड कर दूँगी। आप भुना हुआ बेसन या काजू का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मखाने का पाउडर इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जल्दी पचता है और इसका कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब डालूंगी मैं आधा चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर पे बनाया है इसलिए मैंने इसमें कोई गरम मसाला साबुत यूज़ नहीं किया है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है मसाला। अब मैं ऐड करूंगी इसमें पानी। इसको भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो फ्लेम में भुनता है इसलिए इसमें टाइम लगता है और पानी हम गर्म ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए इस बर्तन को आप स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। मैंने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है और ये गर्म पानी है। आपको जितना पानी डालना है आप अभी डाल लीजिए, बाद में आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको ऐड करना है तो आपको कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पर मैं नमक टेस्ट करूँगी, यहीं पर मैं अभी नमक टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम बाद में नमक डालेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर नमक कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है। अब हम इसके बाद नमक ऐड नहीं करेंगे। अब मुझे इसको 4-5 मिनट उबालना है बिल्कुल कम आँच पर, और इसका एक ढक्कन है तो मैं इसको उस पर लगा देती हूँ। ये देखिए मैं ढक्कन लगा दिया है, थोड़ी देरी पक गया है, फिर मैं चेक करूँगी। अब मैंने ढक्कन सीधा कर दिया और इसमें डाल दी कसूरी मेथी। ढक्कन गर्म था तो कसूरी मेथी भुन गई, उसको मैंने ऐड कर लिया है अपनी ग्रेवी पर। ये देखिए ग्रेवी पक चुकी है, थोड़ा कम हो गई है और उसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 200 ग्राम पनीर। ये मैंने पनीर काट लिया है पीसेस में, आपको जैसा पीस चाहिए वैसा काटिए, और इसको ऐड कर दूँगी अपनी ग्रेवी में। ये देखिए मैंने सारा पनीर ऐड कर लिया है और हल्के से इसको हिला दिया है। अब मैं इसे ढककर 2-3 मिनट और पकाऊंगी। अगर मुझे लगे पानी कम है तो मुझे क्या करना है, ढक्कन को ऐसे रखना है और इसके ऊपर डाल देना है पानी। ढक्कन बहुत गर्म है और ये इसमें पानी अपने आप धीरे धीरे गर्म हो जाता है। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, नीचे से खाना बनता था और उसके ढक्कन पर पानी गर्म होता था। चलिए अब चेक करते हैं, ये देखिए कितना सुंदर पनीर बन के तैयार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, लग रहा है ना नॉनवेज की तरह। ये पनीर नॉनवेज को भी फेल कर देता है, अगर इसमें हम अच्छे से तरीके से पनीर बनाएं तो ये पनीर नॉनवेज को भी फेल कर देता है। यहाँ पर मैंने धनिया काट के डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे 1 मिनट ऐसे ही धनिया को भी पका लूँगी। इससे क्या होता है, जो धनिया की पत्तियों का स्वाद होता है, रस होता है, वो पनीर पर ऐड हो जाता है। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए सारा धनिया गायब हो गया है, वो सब पनीर में मिल गया है। और देखिए पनीर का रंग कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना माउथ वाटरिंग पनीर। तो चलिए आप अपने ट्रेडिशनल बर्तन ढूंढिए और इस रेसिपी को बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिए। और इस पनीर को आप थोड़ी देर ढक कर फिर आप इसे प्लेट पर निकाल दीजिए और इसको सर्व करिए। इसको इस बर्तन पर आपको बहुत देर तक नहीं रखना है। ये देखिए मैंने इसको प्लेट पर निकाल दिया है और इसको मैं आप करूँगी सर्व। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे साफ़ कैसे करना है। आप हफ्ते या 15 दिन में क्या करिए, एक कटोरे में आटा लीजिए, उसमें मिलाइए विनीगर। आटा और विनीगर को आपको मिक्स करना है और उस लेप को इस पर अच्छे से लगा देना है। उस लेप को आपको इस तौली पर अच्छे से लगाना है और इसे 20 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आप कोई भी स्क्रब लीजिए और इसको रगड़िए तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी और ये बिल्कुल चमकने लगेगी। और दिन आप इसको नॉर्मल अपने विम बार या जो भी आप यूज़ करते हैं लिक्विड उससे धोइए। आप मेरी टिप को यूज़ कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी जो हांडी है वो साफ़ हुई या नहीं हुई, और आपको इस पर बनी सब्जी कैसी लगी।